हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज की जो वीडियो है ये केवल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। इसमें मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं जब भी कुछ पढ़ाने वाला नहीं होता हूँ तो सबसे पहले मैं ये बात बता देता हूँ कि आज की वीडियो में आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव इसलिए है क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है अपने कोर्स ऑन टीचमेंट। टीचमेंट ऐप आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। बहुत अच्छा ऐप है हम लोगों के टीचिंग पर्पस के लिए। तो टीचमेंट ऐप पर मैंने अपने कोर्सेस निकाले हैं। अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दो तरीके से स्टार्ट किया। जैसे यूट्यूब पर मेरे सारे लेक्चर्स हमेशा के लिए फ्री ही हैं, उसी तरीके से जो पहला क्लासरूम है मैंने फ्री रखा है। तो फ्री क्लासरूम की जो आईडी है वो ये दी हुई है। अगर आपको टीचमेंट ऐप को डाउनलोड करना होगा उसके बाद में आपको उसे ऐसे स्टूडेंट लॉगिन करना होगा, फिर ज्वाइन क्लासरूम में जाकर के आपको क्या करनी होगी, ये वाली आईडी डालनी होगी, ठीक है। तो आपकी जो आपका जो इनरोलमेंट है वो इस क्लास में हो जाएगा। इस क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 8 PM से 8:30 PM तक, यानी कि 8 to 8:30 PM ये है हम लोगों का। बट अक्सर ये 8:30 पार कर जाता है, ठीक है। 8:30 पार करने का मतलब है ये क्लास आपकी अप्रॉक्स कितनी देर तक चलती है, 8:45 तक चलती है, ठीक है। जनरली 8:45 तक चल जाती है, 8:40 to 8:45 तक हो जाता है इसमें टाइम। इसका बेसिक टारगेट क्या है, इस वाले ये जो फ्री क्लासरूम है इसका बेसिक टारगेट क्या है कि आपको नीट के, आईटी, जेई के या अदर एंट्रेंस एग्जाम के PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में निकाल के सॉल्व करवाता हूँ। तो बेसिकली आपको आइडिया हो जाएगा, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाइए, LU के फॉर्म आ चुके हैं तो LU में भी आपने जरूर भरा होगा फॉर्म। साथ में आपका नीट 1 अगस्त को लगा हुआ है तो वहां की अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल रहा है वीडियोस के थ्रू तो ये भी आपके लिए फायदा करेगा। IIT JEE के भी मिलेंगे, अदर एंट्रेंस एग्जाम DU हुआ, इलाहाबाद हुआ, यहाँ के भी मैं पेपर निकाल करके उनके क्वेश्चंस यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवाता हूँ यहाँ पर। तो ये फ्री क्लासरूम है, इसमें कोई फीस नहीं है, फीस 0 रुपए है इसकी, ठीक है। आप इसे आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और रोज 8 बजे से 8:30 तक आप पढ़ सकते हैं। संडे को एक क्लास ऑफ रहता है, बट अगर कभी क्या हो गई, कोई क्लास रह गई या किसी दिन नहीं हो पाई तो मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी इसकी लगा दूंगा। दूसरा जो क्लासरूम है हम लोगों का वो हमारा पेड है, ठीक है। पेड क्लासरूम की आईडी ये वाली है 6191204, ठीक है। इसकी टाइमिंग आपकी 9 PM to 10 PM रहेगी, यानी कि आप अगर दोनों ज्वाइन करते हैं तो आपको बस 15 मिनट का गैप बीच में मिलेगा और उसके बाद में आप क्या शुरू कर देंगे, उसके बाद में आप पेड क्लासरूम की क्लासेस शुरू कर देंगे, ठीक है। ये पेड क्लासरूम की क्लासेस 15 जून यानी कि कल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तभी मैंने आज ही वीडियो बना दिया है। तो जो लोग इनरोल होना चाहते हैं वो 15 जून कल शाम को ये 9 बजे पहली क्लास शुरू होगी, ठीक है। 9 बजे पहली क्लास शुरू होगी, उससे पहले आप ये इनरोलमेंट आईडी डाल करके मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस पेड कोर्स की फीस भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं रखी है, मैंने ऐसी फीस रखी है जो हर एक बच्चा अफोर्ड कर सके। तो 101 रुपीज यानी कि 101 रुपए इसकी फीस है, ठीक है। सब लोग 99 रखते हैं, 599 रखते हैं, 499 रखते हैं, मैंने 1 रुपए बढ़ा दिया, ठीक है। खैर आपको 1 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, 1 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है अगर आपको जीपे करते हैं, गूगल पे करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। जिस नंबर पे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे वो मेरा नंबर होगा 8299249032, ठीक है। इस पर आपको क्या करना होगा, इस पर आपको करना होगा ऑनलाइन पेमेंट, और ऑनलाइन पेमेंट के बाद में आप इस क्लासरूम में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये 15 जून से 15 जुलाई तक की फीस है, ठीक है। ये 15 जून से 15 जुलाई तक की फीस है, केवल कितनी 101 रुपए। और इतने दिनों में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, सारे गोल्डन टॉपिक निकाले, एकदम गोल्डन टॉपिक, जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। आप कोई भी एंट्रेंस दे दो, ये या फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो पहला वाला है आपका सॉलिड स्टेट कवर करूंगा, उसके साथ में आपका सॉल्यूशन कवर होगा, केमिकल काइनेटिक्स कवर होगा, इक्विलिब्रियम कवर होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कवर होगा, केमिकल बॉन्डिंग कवर होगा। तो सारे देखो गोल्डन टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा बनते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी है GOC, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं। और मैंने ऑर्गेनिक का एक ऐसा चैप्टर उठाया जहां से मैं आपके सारे बाकी के चैप्टर्स को क्या कर दूंगा, रिलेट कर दूंगा। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ से मैं बाकी की ऑर्गेनिक के जो कन्वर्जन है, GOC के बाद अगर मैं ये पढ़ाऊंगा आपको तो ग्रिगनार्ड का यूज हुआ, NBULI का यूज हुआ, NABH4 के यूज हुआ, सारे के सारे मैं करा लूंगा यहाँ पर। साथ में नेम रिएक्शन का पार्ट भी मैं ऑर्गेनिक में उठाने जा रहा हूँ इसी 30 दिन के अंदर इतना सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। 30 दिन के अंदर इतना सब कुछ मिलने वाला है तो नेम रिएक्शन उठाऊंगा, क्योंकि नेम रिएक्शन से भी 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, कम से कम 2 या 1 क्वेश्चन तो हमेशा मिलता है, किसी भी नेम रिएक्शन पे मिले तो नेम रिएक्शन आपको कराऊंगा। साथ ही एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है DNF ब्लॉक एलिमेंट, यहां से भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या सिंगल क्वेश्चन तो जरूर आता है DNF ब्लॉक से, तो DNF ब्लॉक भी आपका कवर होगा। नॉर्मली अगर आप जाइए नीट और इसके बिहाफ पर तो आपको कम से कम कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहां पर आपको 2 क्वेश्चन ना मिलते हो। तो ऐसा एन एवरेज इन चैप्टर से आप मिनिमम कितने क्वेश्चन बना सकते हो, 15 से
20 क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि जीओसी से काफी कुछ पूछा जाता है, डीएनएफ ब्लॉक पूछा जाता है, नेम रिएक्शन हमेशा पूछी जाती है, केमिकल बॉन्डिंग से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एक साथ, ठीक है, कभी एक क्वेश्चन नहीं आता केमिकल बॉन्डिंग से, 2 मिनिमम है, ठीक है, 3 से भी ज्यादा आ जाते कभी कभी, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके केमिकल बॉन्डिंग से आते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि ऐसे एवरेज खैर लगा लेते हैं कि 10 चैप्टर से 10 टॉपिक से हम 15 क्वेश्चन बनाएंगे, तो एक मंथ में आपको मैं 15 क्वेश्चन बनाने के लायक बना दूंगा, उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसके आगे और कौन से ऐसे रियल टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना चाहिए, जिनकी प्रैक्टिस की नीड है हमें, ठीक है, ये क्लासरूम उन बच्चों के लिए जिनको बिगिनिंग से स्टार्ट करना एकदम शुरुआत से, और अगर आप स्टार्ट कर चुके हो तो ये आपके रिविजन पर्पज के लिए एकदम बेस्ट क्वालिटी होगी। उसके बाद मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा किसको, केमिस्ट्री एबीसी को, ठीक है, स्पेशल थैंक्स है केमिस्ट्री एबीसी को, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से नोट्स अरेंज किए हैं, ठीक है, इनको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि इन्होंने हैंडमेड नोट्स का वो कलेक्शन निकाला है जो बच्चों को अंदर से मोटिवेट करता कि भाई हम भी 20-20 पन्ने की, 30-30 पन्ने की, 50-50 पन्ने की पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है, अपने हाथों से लिख के बना सकते हैं, हमें कंप्यूटराइज्ड नोट्स की, टाइप्ड नोट्स की जरूरत नहीं है, हमारे हाथों में इतनी ताकत है कि हम ऐसे नोट्स बनाएंगे। इनको स्पेशल थैंक्स इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस कोर्स के लिए मुझे अपने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, तो इनके नोट्स की पीडीएफ उन बच्चों को मिलेगी, इनके नोट्स की पीडीएफ उन बच्चों को मिलेगी जो ये क्लास ज्वाइन करेंगे। वैसे आप इनकी साइट पर जाकर के विजिट करके इनसे कांटेक्ट करके, देश दीपक सिंह चौहान नाम है भैया का, उनसे आप कांटेक्ट करके क्या कर सकते हो, उनसे आप कांटेक्ट करके पीडीएफ अपने डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन हाँ ये है कि मैं उन पीडीएफ्स को एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, ठीक है, मैं उन पीडीएफ्स को एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है इनके साथ में काम करना, ठीक है, चलिए। इसके साथ में ऐसा नहीं कि केवल आपको यही वाले नोट्स मिलेंगे, इसके साथ में आपको और भी नोट्स मिलेंगे, हैंडमेड नोट्स मिलेंगे जो कि मेरे हैं, ठीक है, आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगे, अदर पीडीएफ्स मिलेंगी, अगर आपको बुक की रिक्वायरमेंट है, वर्चुअल बुक की रिक्वायरमेंट है तो आपकी वो भी पूरी की जाएगी, साथ में आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि अगर आपका सॉलिड खत्म हो गया तो सॉलिड का टेस्ट आपका होगा, ठीक है, सॉलिड का टेस्ट होगा, बाकायदा टाइमिंग पे होगा, आपको सबमिट करना होगा, आपका रिजल्ट आएगा, तुरंत आप अपना स्कोर देख सकते हो टीचमेंट पे, ये टीचमेंट की बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये टीचमेंट की बहुत अच्छी बात है कि तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कितना स्कोर किया, 20 क्वेश्चन मैंने आपको सॉलिड के दिए, आपने तुरंत किया, आपको पता चलेगा कि उसमें से मेरे 15 सही हुए या मेरे 17 सही हुए, तो आप अपने आप को मेजर कर सकते हो 3 दिन एक चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है, तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन निकला है, 3 लोग मिलकर के चल रहे हैं, मनी कैम विद टीचमेंट विद केमिस्ट्री एबीसी, तो इसको तो ज्वाइन करना बनता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे और अपने एंट्रेंस की तैयारी को और अच्छा बनाएंगे। बहुत जल्द मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।